फिल्म हिट हुई या फ्लॉप, इस बात का पता इससे चलता है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है। अनडाउटेडली किसी भी फिल्म को सक्सेस दिलाने में हीरो की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है, पर क्या आप जानते हैं कि फिल्मों को 100, 200, 300 करोड़ की कमाई कराने वाले हीरो खुद कितने पैसे कमाते हैं? चलिए आपको बताते हैं उन 10 हीरो के बारे में जिनकी फीस सबसे ज्यादा है। रणवीर सिंह 9 करोड़। रणवीर सिंह बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे हैं और एक फिल्म के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि बाजीराव मस्तानी से पहले रणवीर 2 से 4 करोड़ के बीच चार्ज कर रहे थे, लेकिन फिल्म की सक्सेस ने उनकी फीस लगभग 3 गुना बढ़ा दी है। जॉन अब्राहम 12 करोड़। जॉन अब्राहम की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाती है। जॉन सिलेक्टेड फिल्में करते हैं और एक फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। सैफ अली खान 14 करोड़। सैफ का करियर बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा, लेकिन फीस उनकी भारी भरकम है। सैफ इस वक्त एक फिल्म के लिए लगभग 14 करोड़ की फीस चार्ज करते हैं। अजय देवगन 16 करोड़। अजय देवगन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अजय बड़ी बजट की कम ही फिल्में करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अजय को 16 करोड़ रुपए हर फिल्म के लिए मिलते हैं। रणबीर कपूर 24 करोड़। नए सितारों से रणबीर कपूर कितने आगे हैं, ये उनकी फीस देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। रणबीर एक फिल्म के लिए 24 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं। हालांकि जब रणबीर की फिल्में चलनी बंद हुई तो उन्होंने निर्माताओं को पैसे वापस भी किए। ऋतिक रोशन 30 करोड़। वैसे तो ऋतिक अपने होम प्रोडक्शन की फिल्में फ्री में ही करते हैं, लेकिन होम प्रोडक्शन से बाहर की फिल्में करने के लिए वो 30 करोड़ की फीस चार्ज करते हैं। शाहरुख खान 35 करोड़। शाहरुख के बारे में कहा जाता है कि वो फिल्मों में फीस नहीं बल्कि प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं। हालांकि फिल्म के बजट में शाहरुख की फीस शामिल रहती है, जो कि 35 करोड़ के आसपास है। अक्षय कुमार 40 करोड़। पिछले कुछ सालों में अक्षय की फीस तेजी से बढ़ी है और इस वक्त एक फिल्म के लिए वो 40 करोड़ रुपए लेते हैं। सोर्सेस की माने तो रोबोट 2 के लिए अक्षय ने 80 करोड़ की फीस ली। आमिर खान 45 करोड़। आमिर खान साल में एक फिल्म करते हैं और उसके लिए भारी भरकम फीस लेते हैं। सोर्सेस की माने तो आमिर की फीस 45 करोड़ रुपए है। सलमान खान 60 करोड़। बॉक्स ऑफिस पर सलमान की फिल्में सबसे ज्यादा कमाई कर रही है। ऐसे में सलमान की फीस सबसे ज्यादा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सलमान एक फिल्म के लिए 60 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।